पूरे हरियाणा के अंदर जो है गर्मी का कहर जारी है। लगभग 46 से 48 टेम्परेचर हिसार के अंदर जो है पहुंच गया है और लोग गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थ का जो है सहारा ले रहे हैं। और हम हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, गर्मी पड़ रही है, क्या कहोगे? गर्मी मैं कह रहा हूँ बंदे को जीने का वो ही नहीं मिल रहा, कुछ बंदा मर जाओगा ऐसी गर्मी में। तो समझ लो, सारा क्या ले रहे हो बचने के लिए? सारा क्या ले रहे हैं? यो ले रहे हैं, यो देखो अंगोच्छा ले रहे हैं। अच्छा, और ठंडा पानी पी रहे हैं और यहाँ खड़े हैं ठंडक में। जब ठंडक मिल रही है थोड़ी बहुत, फिर भी पसीने कट रहे हैं, मिनट का आराम को नहीं। कितने दिन से गर्मी ज्यादा देखने को मिल? 4-5 दिन हो गए फुल भयंकर गर्मी पड़ रही है। 49 डिग्री है आज टेम्परेचर। हाँ, तो किस प्रकार की कोई परेशानी हो रही है आपको कहीं जाने में? काय की परेशानी, इधर उधर जाने के लिए कोई परेशानी क्यों नहीं होगी? कड़क धूप पड़ रही है, बंदे का तेल निकल रहा है बिन बात के, क्या करें बताओ। गर्मी तो गर्मी, हमारे साथ और भी है सर, क्या कहेंगे? जो गर्मी लगातार 4-5 दिन से लगातार बढ़ रही है और क्या नाम, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अंगोच्छा लेके घर से निकलना चाहिए, वो भयंकर त्वचा जल जाती है। 49 से भी प्लस तापमान है और इतनी भयंकर गर्मी है। बुजुर्गों को तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसमें बहुत भयंकर गर्मी है और मैं तो बोलता हूँ जो भी ITI के बच्चे खड़े हैं इनकी भी छुट्टी कर देनी चाहिए जिला प्रशासन ने, क्योंकि ये भी बच्चे, छोटे बच्चों की तो करी दी नौतपा में, ये लोग आ रहे हैं ITI में, ये भी गलत है, इनकी छुट्टी करनी चाहिए प्रशासन ने। बहुत भयंकर गर्मी है। तो सर कितने दिन से जो है ये जो गर्मी जो पड़ रही है, कितने दिन से लगातार तेज गर्मी पड़ रही है? ये नौतपा है तब से, 5 दिन तो हो गए नौतपा को, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है नौतपा है। जैसे 5 दिन से तो आदमी बाहर ही नहीं निकल सकता, बेहोश हो जाए ऐसी इतनी भयंकर गर्मी है। रोड देखो, सुनने पड़े आप, सामने कैमरा लगाओ, रोड पे आदमी नहीं है। तो जो बड़े बुजुर्ग है तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे? उनको घर से नहीं निकलना चाहिए इस तापमान में, ना बच्चों को निकलना चाहिए, और निकले तो घर से कम से कम अंगोच्छा कैप ये पहन के, ये प्रिकॉशन लेके निकले, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमारे साथ और भी है स्टूडेंट, इनसे भी बातचीत करेंगे। गर्मी लगातार 4-5 दिन से लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? कॉलेज स्कूल भी जाते हो? कॉलेज स्कूल वालों की तो छुट्टी करवा देनी चाहिए थी, अब क्या कह सकते हैं, प्रशासन ही ऐसा काम कर रहा है, छुट्टी नहीं हो रही है। तो जो गर्मी पड़ रही है कितने दिन से पड़ रही है? गर्मी तो होगी 10-15 दिन से, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, शरीर जला देने वाली गर्मी है पूरी। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? इससे बचने के लिए ठंडा पानी पी रहे हैं, अंगोच्छा सर पे लगा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है सबकी, घूम रहे हैं सब। हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहोगे आप जो ये गर्मी पड़ रही है इसको लेकर के? सर ये गर्मी इस बार तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रहना मुश्किल है गर्मी में, और सारा टाइम घर पे भी नहीं रह सकते क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज छोड़ नहीं सकते। तो बस बचने के लिए कभी पानी पी रहे हैं, कभी बाहर जाने से जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही बच रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी का सामना करना ही पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से ये तापमान जो बढ़ रहा है, तो क्या पिछले के मुकाबले अब की बार ज़्यादा गर्मी है, पहले गर्मी ज़्यादा? नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत बुरा हाल है, सबका ही बहुत बुरा हाल है। हमारे दादाजी सब परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो गर्मी के कारण, और बाहर निकलना उनका बिल्कुल बंद करवा रखा है, लेकिन तबीयत बच्चों की ख़राब हो रही है, सबकी ख़राब हो रही है जी, बहुत परेशान कर रखा है जी। हमारे साथ और भी है, क्या कहोगे आप गर्मी को लेकर? ये इतना गर्मी भीषण चल रहा है कि इस गर्मी में कूलर AC भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए ये जितना हो तो घर में रहो, बाहर मत निकलो, यही मेरा कहना है। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, इनका साफ तौर से यही कहना है कि गर्मी का जो कहर है पिछले साल से की बार कुछ बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है, और लोग तरल पदार्थ का सहारा लेकर जो है इस गर्मी का जो सामना कर रहे हैं, लोग गमछा लेकर जो है इस गर्मी से जो अपना बचाव कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्गों को भी यही सलाह दी जाती है कि ये ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि ये नौतप्पा जो है चल रहा है और इस नौतप्पे के अंदर जो है काफ़ी टेम्परेचर जो है बढ़ता ही नज़र आ रहा है। पंजाब के TV के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।